हाँ जी, कोरोना वायरस की दसो को नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ नमान और आज मैं आया हूँ एक छोटे से गांव में और यहाँ मैं जानूंगा लोगों से कि उनका कोरोना के बारे में क्या ख्याल है, वो कोरोना को क्या समझते हैं और कोरोना से बचने के लिए वो क्या कुछ कर। कोरोना की है ए जी साला है मेरा बाजी, ये कोरोना वो चगड़े के सारी दुनिया चगड़ चगड़ कर छड़ी है। जाना कोरोना की चीज है ए पाजी, बड़ी भैड़ी चीज है, इन्दे तो बचो। ते दूजे नंबर ते गल ए वे, जेड़े यूनानो आए ने, इटलीओ आए ने, स्पेनो आए ने ना, इन्हां तों वी बचो। कोई बंदा इन्हां नूं मिले ना, ना सलाम लवे ते ना इन्हां दे को नेड़े जाए। पाजी आ कोरोना की है रावा, मैं सुनिया बच्चे ना तो कोरोना छुटिया ते ओह आ गया कुत्ते दे विच, हर एक कुत्ते दे विच, ते मैं हुण इन्हां कुत्तियां नूं फड़ फड़ के मारना ते आ वदे इक। पाजी है कोरोना की है, भाई जान कोरोना की है, जान कोरोना एक ऐसा कीड़ा है जेड़ा हर टिकटॉक बनाने वाले दे दिमाग दे विच जेड़ा पूरी दुनिया फैल चुकिया है। कोरोना एक बड़ी खतरनाक बीमारी है, इन्हे तो बचना चाहिदा। रोजाना 15-20 दवा हाथ धोने चाहिए, अपनी सफाई रखनी चाहिए, ते किसे दूसरे बंदे नूं मिलना नहीं चाहिए, आन चाहिए अपनियां बीबियां दे नेड़े ना होन, क्योंकि इन्हें तो भी लग सकती है बीमारी। कोरोना बीमारी बहुत खतरनाक बीमारी है, मैं लोगों से अपील करता हूँ ये इस कोरोना से बचो। आप सफाई का ख्याल रखना, तकरीबन दिन में 25 दफे या 20 दफे अपना हाथ साबुन नाल धो लो, अपना फजूल गश्त गाम से ग्रेस कर लो तो अपना घर रहो। ये बहुत खतरनाक बीमारी है, अल्लाह फना दे, अल्लाह फना दे, अल्लाह फना दे। कोरोना वायरस एक ऐसी शय है जेड़े बंदे नु लै दे जांदी है, इस तो बचना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए, हाथ बिल्कुल जी साबुन नाल धोने चाहिए, अपने आप तो बिल्कुल जी बचना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम तमाम बेलियां नूं। बीमारी कोरोना वायरस आलमी वबा जो फैली हुई है, बहुत सारे लोग इस बीमारी का शिकार ने। तुहानूं सारयां गुजारिश ये वे कि तुसीं अपने हाथ धो के रखो, कि समाजी दूरी यानी एक दूजे तो 5-6 फुट की दूरी तक खलोवो, गले मिलन तो बचो, अपने हाथ धोवो, 2 घंटे बाद तुसीं अपने हाथ धोवो, कम से कम 20 सेकंड तुसी अपने हाथ धोवो, अल्लाह तौबा करो, अल्लाह नूं याद करो, ते माई दुआ मंगो, घरां विच अजाना दियो, अपनी छतां ते अजाना देवो, 5 वक्त की नमाज पढ़ो और जिथे नमाज पढ़ो उस जगह नूं साफ करके नमाज पढ़ो, ते एक दूजे ते दूर खलो के नमाज पढ़ो।